समाजों में कोई पहली बार इस पार्टी के दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो श्री राजनाथ जी ने। आज इस बड़ी सभा, इस चुनावी सभा में हम सब राजनाथ जी का तहे दिल से पलक पावड़े बजाकर, जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। 500 का हर निवासी जानता है पिछले 4.5 साल आपने जो मुझे परिवार का हिस्सा बनाया, मैंने एक एक ईंट जोड़कर बांसुर को मजबूत बनाने की कोशिश करी, कभी जातिवाद नहीं करा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है बांसुर के अंदर जो मेरे ऊपर उंगली उठा के कह सकता हो कि मैंने जातिवाद करा। मेरा परिवार है ये, इस समस्त मेरा परिवार है और इस समस्त परिवार के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन अपने नौजवानों को आगे बढ़ने का एक एक मौका, एक एक मौका उनको लाने दूंगा। आज यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारी जो राजनीति है वो जातिवाद में नहीं है, हम नहीं लड़ सकते जातिवाद की राजनीति। हाँ, अगर विकास पे आके हमें चेतावनी देनी है तो कोई भी माइका ला ला जाए, विकास की राजनीति के ऊपर हम सबसे आगे हैं। हमें सोचना है, आप सबको सोचना है, पिछले 5 साल जो भी हुआ, अगले 5 साल और अगले 50 साल तक आपको सोचना है क्या करना है। ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है सिर्फ विधानसभा का, भी 500 तक खत्म हो जाए। आपका जो वोट पड़ेगा सीधे सीधे दो पार्टियों को असर डालता है, या तो कांग्रेस या भाजपा। अगर परिवार सेवा करना है, अगर एक परिवार की सेवा करनी है, अगर एक परिवार की जेब भरनी है तो डालिए। और फिर हमारे जो भाई लड़ने जाते हैं नक्सलवादियों के साथ, माओवादियों के साथ, और वहां पर नक्सलवादी माओवादी उन्हें मारते हैं, शहीद होकर वापस आते हैं, उन्हें वही पार्टी क्रांतिकारी कहती है। आपको सोचना है, ये मामूली चुनाव नहीं है। एक एक व्यक्ति सोच ले, एक तरफ तो हम अपने भाइयों को भेजे लड़ने के लिए और उनमें से कुछ शहीद होकर वापस आते हैं, और वही हम चुनके भेजे ताकत ले उसी पार्टी को जो उनको क्रांतिकारी कहलाती है। हमें सोचना पड़ेगा, ये षड्यंत्र कांग्रेस का रचा हुआ है। कहते 2019 में जो मोदी जी को जिता दो, 2018 में हमें जिताना, मोदी जी से कोई पैर नहीं है, 2019 में उन्हें जिता दो। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन वहां तो सदन दो है, जब कानून पारित होना होता है तो लोकसभा से भी होना होता है और राज्यसभा से भी होना होता है। राज्यसभा का ख्याल कौन रखेगा? मुझे आप एक बात बताइए, मोदी जी ने जो रास्ता तय करा है देश के लिए, सही दिशा है या नहीं, बताइए मेरे को। ये तो हम भी कहते हैं, घर घर तक, गांव गांव तक हम योजना लेकर आए, लेकिन हम भी कहते हैं अभी तो काम हमें बहुत लंबा करना है, हम भी कहते हैं, लेकिन ईमान से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, दिशा बिल्कुल सही है, ये पूरा देश मानता है आज। और जब आपको लगता है कि पूरा देश अगर दिशा हमारी सही मानता है तो फिर लोकसभा में भी मदद करनी है, समर्थन देना है, और राज्यसभा में भी हमें पूरा समर्थन देना है। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? जो आज आप मत डालेंगे, विधानसभा में जो चुना जाएगा, सभी विधायक साथ में आके फिर राज्यसभा का चुनाव करते हैं। आप और हम सीधा नहीं करते, सभी विधायक मिलकर करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को एक एक वोट जो पड़ेगा वो देश के खिलाफ राज्यसभा में जाएगा, इस बात को आप याद रख लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मैदान में उतर के सोच रहे वॉक ओवर मिल जाएगा, कोई सामने नहीं है, पूरा राजस्थान पलक पावड़े बजाए बैठा है, भाजपा अपना हथियार डाल देगी। इस ओवर कॉन्फिडेंस की गलती में मारे गए, ना तो अपना नेता चुना, ना नीति चुनी, ना विजन है, ना चीफ मिनिस्टर है, साथ साथ मुख्यमंत्री उनके अलग अलग गलियों में घूम रहे हैं। अगर हिम्मत है तो एक नाम
मंत्री, सोचिए जब 2014 में बीएसएफ के जवानों को पाकिस्तानियों ने बस शुरू की करके भाग दिया था, तो गृह मंत्री जी ने बीएसएफ से बात करी, बात करके पूछा क्या हो रहा है। बीएसएफ ने बोला हम 16 बार झंडे दिखा चुके हैं, सफेद झंडा। सफेद झंडे का मतलब होता है वार्तालाप करना, कि हम गोली नहीं चलाना चाहते, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 2014 की बात बता रहा हूं मैं। 5 बीएसएफ के जवानों को की हत्या कर दी पाकिस्तान ने। राजनाथ जी ने पूछा कि बीएसएफ क्या कर रही है, उन्होंने कहा कि हम झंडे दिखा रहे हैं। बोला कितनी बार झंडे दिखाएंगे, बोला आप तो 16 बार झंडे दिखा दिए। राजनाथ जी ने पूछा आप क्या करोगे, कोशिश करेंगे कि 17वीं बार भी सफेद झंडा दिखाओ। बोला ऐसा क्यों, बोला कि पिछली सरकार में ऐसे ही कानून थे, गोली नहीं चलानी, झंडे दिखाते रहना। राजनाथ जी ने कहा सरकार बदल गई है, माहौल बदल गया है, अपनी तरफ से पहली गोली मत चलाना, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर एक भी गोली चले तो अपनी गोलियों की गिनती मत करना, बहादुर को खत्म करके रहना। ये फर्क होता है कांग्रेस के अंदर और भाजपा में। गांव गांव से उठकर हमारे नेता आते हैं, जमीन स्तर से हमारे नेता आते हैं, कोई ऊपर से नहीं टपकते, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं होते, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, इसीलिए लोगों का कष्ट समझते हैं और उसी कारण से हिम्मत से काम लेते हैं। पाकिस्तान ने उड़ी के अंदर हमला करा, हमारे 19 सिपाहियों को जिंदा जला दिया। 10 दिन तक प्रधानमंत्री जी ने कोई संदेश नहीं दिया। सब लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है, अभी तक तो मौन मनमोहन जी अभी तक तो कितनी बार संवेदना प्रकट कर चुके होते, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 10 दिन बाद हमारी सेना वर्दी पहनकर सरहद पार करके गई और उनके घर के अंदर घुस के उनको मार के वापस आई। ये होती है भारतीय जनता पार्टी। अभी यहां पर देखिए जो पार्टी, जो कमल का निशान, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें सम्मान दिया, जिस पेड़ के ऊपर, जिस डाल के ऊपर बैठकर उस डाल के फल खा रहे हैं, उसी डाल को काटने चले हैं। देश पीछे रह गया, हम सब आगे निकल गए। इस तरह के लोग हमें नहीं चाहिए। हमें पार्टी के हित एक टीम बनकर जो लड़ने को तैयार हो, हमें ऐसे लोग चाहिए जिस डाल पे बैठे, जहां के फल खा रहे उसी डाल को काट रहे। ये जो वफादारी है, शर्त लगा के वफादारी है, ऐसी वफादारी का क्या काम। हमें तो बिना शर्त के वफादारी चाहिए और हमसे वफादारी नहीं चाहिए। हमें तो तिरंगे से वफादारी चाहिए, हमें देश से वफादारी चाहिए, हमें सेना से वफादारी चाहिए। अब आप सब लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग तो चंद इतने ही लोग हैं, आप सबके पास अगर मन भी है तो वोट तो एक ही है, एक वोट से क्या कर दोगे। वो नाना पाटेकर ने एक डायलॉग बोला था, एक मच्छर क्या क्या कर सकता है। अब मैं आपके एक वोट की कीमत बताता हूं। अगर मेरे एक वोट से अगर आतंकवाद घुटने टेक देता है तो मेरा वो भाजपा को, अगर मेरे एक वोट से नक्सलवाद खत्म हो जाता है तो मेरा वोट भाजपा को, अगर मेरे एक वोट से नारियों को सम्मान मिलता है तो मेरा वोट, अगर मेरे एक वोट से नारियां सशक्त हो जाती है तो मेरा वोट, अगर मेरे एक वोट से पाकिस्तान घबरा जाता है तो मेरा वोट। ये करना पड़ेगा, तैयार हो। एक एक जना 50-50 लोगों को फोन करने को तैयार हो। माहौल बनना पड़ेगा, कमल का निशान जीतेगा, क्योंकि भारत माँ को जिताना है और सबको हराना है।